तो यार वेबसाइट का रिव्यू तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके करूंगा, लेकिन उससे पहले मोबाइल में आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा दूँ। इस पर एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। यहाँ पे देखो, अगर ईमेल्स के अंदर आके मैं आपको दिखाऊँ, ईमेल्स के अंदर जाते हो, यहाँ पे गूगल एडसेंस की ईमेल सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखो ईमेल मुझे मिल चुकी है। ईमेल के अंदर यहाँ पे हमें बताया गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एडसेंस का अकाउंट हो चुका है ओपन। यहाँ पे ईमेल लिखी हुई है और वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है। उसके बाद गूगल एडसेंस के ऊपर लेके जाके यहाँ पे इसका डोमेन नेम भी आपको दिखा दिया जाए। देखो एडसेंस का अप्रूवल मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साइट्स के अंदर आते हैं तो देख लो, यहाँ पे thetwilighttime.com डैडी है, ठीक है, यानी एडसेंस का अप्रूवल इसके ऊपर मिल चुका है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल की वीडियो भी यहाँ पे देख लो, 55 टोटल वेब सर्च क्लिक हो चुका है गूगल की सर्च के थ्रू। 1 month 15 ब्लॉग्स और गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिला वो आपको दिखाता हूँ। पूरे का पूरे ब्लॉग का यहाँ पे रिव्यू करता हूँ, हर एक चीज आपको दिखाने वाला। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं करना। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करें। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पे A to Z दिखाने लगा हूँ कैसे इस ब्लॉग पे एडसेंस का अप्रूवल मिला, इस पे कॉन्टेंट कौन सा है, और यहाँ पे काम कैसे हुआ, कितने वर्ड का आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, और कितनी इमेजेस यूज की गई है, और कौन सा टेम्पलेट यूज किया गया है, A to Z प्रूफ के साथ दिखाने लगा हूँ। चलो वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। इस वेबसाइट का हम आज रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप अपनी साइट का रिव्यू करवाना चाहते रहे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे जाके मैसेज करो और अपनी साइट का लिंक भेजो ताकि मैं उसका रिव्यू कर सकूं। अब ऐसा नहीं है कि यार यहां पे 100 बंदे ने मैसेज किया और 100 को ही रिप्लाई मिल जाए। आपको पता है इतने बंदों को रिप्लाई करना मुश्किल होता है। 1-2 बंदों को मैं रिप्लाई कर सकता हूं वीक के अंदर, तो वो मैं कर देता हूं। तो यार आप मैसेज कर देना, जैसे ही मैं आपको मैसेज देखूंगा आपकी साइट का भी रिव्यू कर दूंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूं, चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आ सके। चैनल सब्सक्राइब कर दिया लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं आएगी। इसलिए मेक श्योर करो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करो। ये सारे का सारा काम हुआ सिर्फ 1 month के अंदर। 1 month के अंदर यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल भी मिला और ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो चुकी है। ट्रैफिक कम है लेकिन आप गूगल की सर्च से रही है, यानी कि बेस्ट चीज है ये। अगर आपको गूगल की सर्च से ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, आपकी साइट रैंक होना स्टार्ट हो गई है। तो चलो यार यहाँ पे इस ब्लॉग का रिव्यू करते हैं। तो यार ये है वो ब्लॉग, अगर व्यू ब्लॉग के ऊपर जाके आपको दिखा दिया जाए इस ब्लॉग का इंटरफेस, इसका टेम्पलेट वगैरह और पोस्ट कितनी है सारा कुछ। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम ब्लॉग पे आते हैं तो हमें यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल देखने को मिला है, एड्स बाय गूगल हेडर के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे पेजेस कितने बनाया है A to Z में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, इसके ऊपर जो टेम्पलेट यूज हुआ है वो है न्यूज प्लस टेम्पलेट, जो मैं आपको टेम्पलेट वाली वीडियो के अंदर, हर टेम्पलेट वाली वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों ने इस टेम्पलेट को यूज करना है, इस पे एडसेंस अप्रूवल इजिली मिलता है। तो ये देखो यार, ये सिंपल सा टेम्पलेट है, आपको ज्यादा कस्टमाइज भी करना नहीं पड़ता और ये प्रीमियम लेवल का टेम्पलेट है। यहाँ पे देख लो, कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं है, मैंने रिमूव करके आपको दिया हुआ है। उसके बाद देख लो यहाँ पे इसका फुटर एरिया भी काफी अच्छा और इसका हेडर भी काफी अच्छा है, जैसे वर्डप्रेस का टेम्पलेट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें देख लो आप लोगों को साइडों में साइड बार जो होती है उसमें भी एड्स दिखाई दे रहा है। अगर कोई सिंगल पोस्ट ओपन करके दिखा दिया जाए आपको कि कितने वर्ड की पोस्ट है तो वो भी दिखाते हैं। उससे पहले ये विग्नेट ऐड होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। उसके बाद हेडर में ऐड आ गया, फुटर से एक पॉपअप ऐड आ चुका है यहाँ पे, जिसे हम नीचे कर देते हैं ताकि आपको ये इंटरफेस अच्छे से दिखाई दे। ये देख रहे हैं हमारा ये वाला एक आर्टिकल है जिसपे आपको ये टाइटल देखने को मिला। टाइटल के बाद यहाँ पे देख लो हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों ने आर्टिकल कैसे लिखना होता है, आप लोगों ने अपने टाइटल के बाद चाहे ये वाला टाइटल ना दो, ये इसने गलती की है देखे, आप चाहे ये ना दो। टाइटल के बाद थोड़ा सा पैराग्राफ होना चाहिए आपका, देन एक इमेज होनी चाहिए जिसे आप फीचर इमेज कहते हो या थंबनेल कहते हो, ये इमेज होनी चाहिए। इमेज के बाद आप लोगों की यहाँ पे सब हेडिंग होनी चाहिए, देन आप लोगों का यहाँ पे 1-2 पैराग्राफ होने चाहिए। देख लो यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखे है, एक पैराग्राफ के अंदर 4-5 लाइन या 6 लाइन्स तक आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद अगेन सब हेडिंग आ गई है, अगेन पैराग्राफ आ गया, फिर सब हेडिंग, फिर पैराग्राफ, इस तरह से ऑलमोस्ट ये 1000 वर्ड प्लस आर्टिकल है, 1000 वर्ड से प्लस के वर्ड है यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर। यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल आपको जैसे पहले दिखा दिया। तो यहाँ पे नीचे देख लो कमेंट्स के भी ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे देख लो आपका फुटर एरिया आ रहा है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे पेजेस कितने यूज हुआ है। यहाँ पे डिस्क्लेमर का, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का पेज यूज हुआ है। मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर सिखाया हुआ है आप लोगों ने इन पेजेस को कैसे बनाना है। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे कितनी पोस्ट है, तो देख लो यार यहाँ पे सिर्फ 15 पोस्ट है। 15 पोस्ट के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है विद इन 1 month, ठीक है। यहाँ पे जुलाई देख लो, July 27 को फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देख लो 10 अगस्त को यहाँ पे लास्ट आर्टिकल लिखा गया, ऊपर वाला पब्लिश नहीं है, ठीक है, ये वाला पब्लिश है। यहाँ पे 10 अगस्त को आखिरी आर्टिकल लिखा गया, तो ये समझ लो यहाँ पे जुलाई और अगस्त, ठीक है। 27 जुलाई को पहला आर्टिकल, जुलाई के बाद अगस्त, यहाँ पे 10-13 दिन के अंदर अंदर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है।
सिर्फ 13 डेज के अंदर गूगल एडसेंस का अप्रूवल। यहाँ पे ट्रैफिक भी देख लो, कोई ट्रैफिक नहीं है, देख लो आपके सामने थोड़ा सा ट्रैफिक है, बिल्कुल थोड़ा सा ट्रैफिक है, थोड़े से ट्रैफिक पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल इसलिए मिला है क्योंकि जो थोड़ा सा ट्रैफिक है ये गूगल की सर्च से आया, शेयर करके नहीं लिया। तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है, आप लोगों ने अपने आर्टिकल्स को शेयर नहीं करना, कहीं भी शेयर नहीं करना, और इस तरह से आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है। और जो इमेजेस यूज करनी है आप लोगों ने खुद से बनानी है, चाहे गूगल से ले लो, लेकिन गूगल से लेने के बाद उनको एडिट करके यूज करना। आई होप यार आपने इस वीडियो को पूरा देखा, स्किप नहीं किया, कोई पॉइंट मिस नहीं किया, और आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो यार नीचे कमेंट्स करके बताना, और ये भी बताना आपकी वेबसाइट पर कितने आर्टिकल आपने पोस्ट किया और यहाँ पे आपको अप्रूवल अभी तक मिला या नहीं मिला। इसके अलावा रिव्यू करवाना है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना लाजमी से, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोज लेके आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।